हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर वन के अंदर हम लोग बेसिक नंबर्स के बेसिक्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे, रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे, रेशनल नंबर लाइन क्या होती है, रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड किए जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे टॉपिक, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा आज का एजेंडा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टू नंबर्स, यानी कि नंबर्स एक्चुअल में है क्या। तो नंबर्स कुछ ऐसी क्वांटिटी एंटिटीज है जो क्या करती है, चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज होती है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे समझो कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ कोई आदमी, ये एंशियंट टाइम की अगर बात करें, मैं ऐसे समझ लो यहाँ पे कुछ हिरण चर रहे हैं, ठीक है, हिरण चारा चर रहे हैं और यहाँ दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ दो आदमी खड़े होके क्या कर रहे हैं, एक आदमी इधर आके इनको देख रहा है, बहुत सारे हिरण हैं यहाँ पे। अब ये आदमी ने, इस आदमी ने क्या किया, इन हिरणों को देख लिया है। अब इस आदमी को क्या करना है, इसको बताना है कि कितने हिरण हैं। तो इस वर्ड पे ध्यान से फोकस करना, मैंने वर्ड बोला कितने हिरण हैं, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करना है कि कितना है। तो वो क्या करेगा, गिनती, अगर मान लो कि इसको काउंटिंग आती ही नहीं है, नंबर्स अभी तक है ही नहीं, तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो वो इशारों से एक्सप्लेन करेगा, इस तरीके से क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, कुछ ऐसे सिंबल्स बना दिए गए जो रिप्रेजेंट करेंगे किसी, जैसे कि इस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में नंबर्स है क्या। तो नंबर्स कुछ ऐसी एंटिटीज होती है जो क्या किए जाते हैं, काउंटिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो देखो डिजिट्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने बताया कि कुछ सिंबल्स हमने बना दिए हैं, जैसे कि अब चार के लिए हमने क्या बना दिया, ये वाला सिंबल हमने बना दिया था। तो ये जो सिंबल्स होते हैं जो हमने बनाए, जैसे हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए हमने वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, इन सबको बनाया है, लेकिन उससे पहले हमने क्या बनाया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बनाए, जैसे ए टू जेड। तो जो ए लिखने का तरीका है, बी लिखने का तरीका है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमने बना दिए हैं। सिमिलरली क्या होगा, मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स हैं उनको लिखोगे कैसे, तो उनको लिखने के लिए क्या किया है, कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं। तो डिजिट्स आर द बेसिक सिंबल्स विच आर यूज टू फॉर्म ए नंबर। जब उन सिंबल्स को क्या किया जाता है, उन डिजिट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, तो वो क्या बना देते हैं, फिर नंबर बना देते हैं। अब हमारे जो हम जो नंबर्स पढ़ते हैं उसमें टोटल कितने डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स यूज करके हम लोगों ने हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बनाए। अब देखो 10 डिजिट्स हैं यहाँ पे, इस वजह से जो हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना अभी, उस नंबर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या हुआ, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें डेसी का मतलब होता है 10, 10 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम को क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। आगे की क्लासों में आप 2-3 तरीके के नंबर सिस्टम और होते हैं, जैसे कि एक बाइनरी नंबर सिस्टम, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें क्या होगा 16 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, बाइनरी में क्या किए जाते हैं 2 डिजिट्स यूज किए जाते हैं, वो भी पढ़ोगे। लेकिन अभी हमारे को ये ध्यान रखना है, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें टोटल 10 डिजिट्स है, इसलिए हमारे नंबर सिस्टम को क्या बोला जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैंने बताया कि जब डिजिट्स को क्या किया जाता है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है, तो वो क्या बना लेते हैं, नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5, 8, 5, 2, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ देखो इन्हीं में से कोई डिजिट यूज किया है, जैसे कि 5, 8, इसको मैं 6 लिख देता हूँ, 6 और 2, ये हमने डिजिट्स यूज किए हैं और इन डिजिट्स को अरेंज करके कंबाइंडली यहाँ लिख दिया। तो ये जो मिला है हमारे को, ये क्या है, एक नंबर है। अब इस नंबर को रीड कैसे करेंगे, ये आपको डिसाइड होगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड वो करते हैं इसको, कि भाई वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो 5,862
टू, ये इसको रीड करने का तरीका हो गया। अब हमारे जो दो छोटे छोटे टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। अगर कोई छोटे क्लास का स्टूडेंट आप लोगों को पूछ ले तो आप बता पाओ। तो देखो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिख रही है, मतलब जो डिजिट होगा ना वो डिजिट खुद ही क्या कहलाएगा, इट्सेल्फ। डिजिट इट्सेल्फ ही क्या कहलाता है, उसकी फेस वैल्यू कहलाता है। इस एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि 5421 है, इसके अंदर बहुत सारे डिजिट यूज हुए हैं, कौन कौन से, 1, 2, 4, 5। मैं यहां से राइट टू लेफ्ट की तरफ मैंने डिजिट्स लिख दिए। अब पूछा है कि इस डिजिट की फेस वैल्यू बताओ, तो जो डिजिट होगा वो खुद ही क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। तो 1 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 1, 2 की फेस वैल्यू 2, 4 की फेस वैल्यू 4 और 5 की फेस वैल्यू 5। आई होप आप लोगों को फेस वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आता है प्लेस वैल्यू क्या होता है। अब प्लेस वैल्यू डिसाइड की जाती है उसकी प्लेस की जगह से, जैसे कि ये जो डिजिट है हमारा वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 1s प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 1। मैं इसको भी एक टेबल के थ्रू समझा देता हूँ। मैं काम करता हूँ इसी एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल के लिए इधर भी एक टेबल बना लेता हूँ, बस डिजिट ही तो बदलने हैं, तो मैं यहाँ डिजिट लिख देता हूँ इस एग्जाम्पल के, कौन कौन से है, 9, 3, 4 और 2, और यहाँ लिख देता हूँ उसकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू उसके प्लेस के हिसाब से डिसाइड की जाती है। ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100s प्लेस है और ये हमारा 1000s प्लेस है। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, जैसे 9 वाला कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 9 × 1 = 9। इसकी कितनी होगी, 3 × 10 = 30। उसकी कितनी होगी, 4 × 100 = इस वाले नंबर की, इस वाले डिजिट की 400। और ऐसे इसी तरीके से 2 × 1000 = 2000। आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं साथ में यहाँ, भाई एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो कोई भी जो नंबर है, जैसे हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 2439, इसकी सारी प्लेस वैल्यूज क्या है, ये है, ठीक है। अगर इन सभी प्लेस वैल्यूज का सम कर दिया जाएगा ना, तो वो जो सम आएगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल आता है, इसी नंबर के इक्वल आता है। तो इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9 × 1 + 4 × 100 + 2 × 1000। तो ये जो हमने लिखा है, ये रूप किसी भी नंबर का, ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट नोट है जो हमने अब यहाँ तक पढ़ा है उसके, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्चुअल में ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है ना, आप लोगों को यूनिट डिजिट डिसाइड करने में काम में आएगी। वो बताऊंगा देखो कैसे यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं आगे के लेक्चर्स में, कभी ना कभी कोई ना कोई टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ पे वो समझा दूंगा। तो नोट देखो कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 1s डिजिट आर सेम। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये देखो ये एक नंबर है, ये 5 को अगर हम पिक करें तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s प्लेस पे है इसलिए 5 × 1 = 5। क्या ये दोनों आपको सेम दिख रही है, ये इसलिए सेम दिख रही है क्योंकि कौन से प्लेस पे, 1s प्लेस पे। तो हमेशा ध्यान रखना 1s प्लेस पे अगर कोई डिजिट है तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होती है। दूसरा क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एट एनी प्लेस। 0 किसी भी प्लेस पे अगर रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम बोल उसकी जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तब यहाँ बात करें इसकी तो फेस वैल्यू तो कितनी होगी, जो दिख रहा है डिजिट वही उसकी फेस वैल्यू है। फिर हम बात करें प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0 × 1s, 10s और 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। यानी 0 अगर कोई डिजिट कहीं भी लिखा हुआ है किसी भी प्लेस पे, तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम एंड डिफरेंस। दो क्वेश्चन है एक्चुअल में, एक बार सम फाइंड करना है, एक बार डिफरेंस किसका।
ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन 37501। मतलब ये जो नंबर हमारे को दिया हुआ है इसके अंदर जो 7 वाला डिजिट है इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यूज का सम फाइंड करना है और हमारे को डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं भाई फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। साथ में ही प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो प्लेस के हिसाब से डिसाइड की जाएगी, वंस टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस है, तो 7 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल 7000। अब उसने सम पूछा है तो सम कैसे निकाले कि 7000 प्लस 7 इज इक्वल कितना हो गया 7007, और डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो लार्जर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लार्जर नंबर ये है, इसमें से हमने 7 को माइनस कर दिया, तो देखो जी यहाँ से एक बोरो करेगा, एक बोरो ये करेगा, एक बोरो ये करेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, उसके बाद में यहाँ 6 बच गया या 9 बच गया या 9 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, सम क्या होगा 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, 7007 हो गया और डिफरेंस क्या हो गया 6993। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप 5th, 6th, 7th क्लास हो या उससे भी छोटी क्लासेस में पहले से पढ़ के आए हुए हो, लेकिन मेरा काम था कि आपको बेसिक से पढ़ाना, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए रफली, मतलब जितना हो सके उतना शॉर्ट में नोट कर लीजिए या प्रॉपर तरीके से जैसे मैंने नोट किया वैसे नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स को देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स कौन कौन से हैं। मैं एक मिनट इसको लगा लेता हूँ, ये गिर गया है। जो हमारा सबसे पहला टाइप का नंबर होगा वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, या इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोला जाता है, सेट, और उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो कहीं पे कैपिटल एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे, तो जैसे कि इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स इंडिकेशंस बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो नेचुरल नंबर लाइन होगी वो क्या होगी, वन साइडेड ही क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, यानी कि एक ही तरफ होगी, दोनों तरफ नहीं होगी। अभी आगे जाके देखोगे कि इंटीजर्स में क्या होती है, नंबर दोनों तरफ चलती है, नंबर लाइन क्या होगी, दोनों तरफ एक्सटेंड होती है अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा, अप टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना इन्फिनिटी के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, जो 8 है हमारा वो क्या होगा, तिरछा कर दो उसको, 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, तो वो जो सिंबल है इन्फिनिटी के लिए यूज किया जाता है। इसके ही कुछ टाइप्स है जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे अलग से पूरा, प्राइम नंबर्स, को कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं इनको। नेचुरल नंबर्स के बाद में जो हमारा सेकंड टाइप का नंबर आता है वो है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, अभी तक देखो नेचुरल नंबर्स में हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, जब नेचुरल नंबर्स में क्या किया जाता है, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, तो सारे जो नंबर्स का सेट बन गया वो नंबर्स का सेट क्या कहलाता है, अब होल नंबर्स कहलाता है, जिसको अब क्या, जिसके सेट को W से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे N, W क्या किया गया, जो नेचुरल का कैपिटल वाला पहला वाला लेटर कैपिटल में लिख दिया, और यहाँ पे होल यानी W का क्या किया, पहला वाला लेटर कैपिटल में लिख दिया, तो इसलिए सेट को ऐसे डिनोट किए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। ऐसे ही होल नंबर्स का क्या होगा, को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी क्या होगा, ये वन साइडेड क्या है, एक्सपेंड हो रही है, कब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उस नोट को समझो। देखो मुझे बताना, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं क्या, भाई नेचुरल नंबर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही है। क्या होल नंबर में भी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 है क्या, यहाँ पर भी है, लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में आ रहे हैं क्या, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे वाले तो आ रहे हैं, लेकिन 0 यहाँ नहीं आ रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ऑल एन आर ऑल्सो W, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, ऑल्सो W, ठीक है। बट ऑल या एवरी बोल सकते हैं, एवरी यहाँ पे एवरी लिख लेते हैं हम लोग,
बट एवरी डब्ल्यू इज एवरी नेचुरल नंबर ऑल्सो ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जितने भी n है वो सारे के सारे w होंगे, बट एवरी w यानी होल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। मैं इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूँ एक मिनट आप लोगों के लिए सही तरीके से। तो देखो क्या बोला मैंने, भाई सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे, तो हम बोलेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर बट एवरी ए वी ई आर वाई एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कभी स्टेटमेंट दे दिया जाता है, जैसे ऐसे दे दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू और फॉल्स, तो हमें पता है जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं, तो हम बोल देंगे कि क्या है ये, ट्रू है। इसी को उल्टा करके दे दिया कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो हम बोलेंगे कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जीरो क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, यानी उसमें शामिल नहीं होता। आई होप ये नोट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले टाइप के जो हमारे नंबर्स का क्लासिफिकेशन है वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसके देखो अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर्स ही पढ़े थे, सारे प्लस के नंबर्स ही पढ़े थे। अब अगर पॉजिटिव नंबर्स में माइनस के नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो पूरा जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। इंटीजर्स को के जो पूरा कलेक्शन है उसको आई या जेड से डिनोट किया जाता है। अब आई का मतलब तो समझ में आता है कि पहला वर्ड कैपिटल में ले लिया, पहला लेटर कैपिटल में उठा लिया, लेकिन जेड का क्या मतलब है? तो जेड एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है जहलीन। जहलीन, जहलीन का मतलब होता है टू काउंट, यानी कि गिनना, किसी भी चीज़ को गिनना। अब मैं बोलूँ कि गिनती बोलो तो आप लोगों को, छोटे बच्चे हो तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 ये बोल दोगे। लेकिन एक्चुअल में गिनती क्या है, माइनस के इन्फिनिटी से चलती आ रही है और प्लस के इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। तो एक्चुअल में माइनस वाले नंबर भी इसमें आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, तो इसलिए इसकी जगह पे क्या किया जाता है, जेड वर्ड भी यूज किया जाता है। ज़्यादातर जगह पे जेड ही यूज किया जाता है आई की जगह पे, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जेड क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5 ये तो है ही, साथ में -1 -2 -3 ये सभी नंबर्स है, इन सबको एक जगह कर दिया तो ये जो सेट पूरा बना ये क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीजर वो नंबर है जो पूरे पूरे कंप्लीट है, यानी कि जो नॉट डेसिमल, डेसिमल में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि जो डेसिमल और फ्रैक्शन में नंबर नहीं होते, पूरे पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स में भी देखो कई डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स होते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 है ये है पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसको आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। -1 -2 -3 ये सब क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, इनको आई माइनस या जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। और ये जो जीरो है, जीरो क्या होता है, जो जीरो है, जीरो को ना तो पॉजिटिव माना जाता ना ही नेगेटिव। तो जीरो क्या होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये न्यूट्रल है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, जीरो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जीरो को न्यूट्रल माना जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स को आई माइनस या जेड माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप लोग, देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और हमने अभी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो नेचुरल नंबर्स वर्ड यूज नहीं करके क्या यूज कर सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स यूज कर सकता है, या पॉजिटिव इंटीजर्स वर्ड यूज नहीं करके वो क्या कर सकता है, नेचुरल नंबर वर्ड यूज कर सकता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से जैसे हमने होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को क्या किया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ क्या है, दोनों साइड में नंबर एक्सटेंड हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस के इन्फिनिटी तक, इधर माइनस के इन्फिनिटी तक। तो जो इंटीजर्स की नंबर लाइन होगी वो क्या होगी, दोनों तरफ क्या होगी, एक्सटेंड होती है
एक नेगेटिव इन्फिनिटी तक और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो देखो जीरो यहाँ पे ओरिजिन का काम करता है, यानी सारी चीज़ें जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो खुद न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव साइड हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगी, और ये 0, -1, -2 ये नेगेटिव साइड होगी जो माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगी। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लो -4 को डिनोट करना है, तो -4 कहीं यहाँ होगा, तो हम क्या करेंगे, -4 पे एक छोटा सा डॉट बना देंगे जिसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, तो -4 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। 3 को करना है प्लस के 3 को, तो प्लस का 3 यहाँ है, तो यहाँ क्या बना देंगे हम लोग, एक स्टॉप वो बना देंगे, डॉट बना देंगे जिसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब 4 डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स और होते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो सबसे पहला टाइप का इंटीजर मैंने लिखा है वो है ओड इंटीजर्स, फिर है इवन इंटीजर्स। ओड और इवन क्या होता है भाई, इवन का मतलब होता है ऐसे इंटीजर्स जो क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2, जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा डिविजिबल वो डिविजन हो जाए वो क्या, या 2 से वो जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो वो क्या कहलाएंगे, इवन इंटीजर्स। और ओड क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो क्या होते हैं, ओड इंटीजर्स होते हैं। अब ओड इंटीजर्स कौन कौन से, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, ये सब इंटीजर्स क्या है, ओड इंटीजर्स है। और इवन में क्या आएगा, प्लस माइनस 2, अब यहाँ पे 0 भी मान सकते हो, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, -++ चलता रहेगा। तो ये सभी वो इंटीजर्स है जो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ओड इंटीजर्स होते हैं ना उसको हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया उससे फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है 2n+1, और यहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और इवन इंटीजर्स होते हैं, इन सबको क्या किया जा सकता है, 2n फॉर्मूले से डिनोट फाइंड किया जा सकता है। यहाँ भी n क्या है, इंटीजर। अब मैंने क्या बोला समझो, जैसे हमें कोई इवन इंटीजर निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n, n की जगह पे इंटीजर्स की वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे मैंने n की जगह पे 0 पुट किया तो कितना मिला, 2 × 0 = 0। n की जगह पे 1 पुट किया तो मुझे मिला 2 × 1 = 2। n की जगह पे मैंने -1 पुट किया तो 2 × -1 = -2। फिर n की जगह पे मैंने 2 पुट किया तो कितना मिला, 2 × 2 = 4। फिर n की जगह पे -2 पुट किया, मैं इंटीजर्स की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ तो -4। तो देखो 0 मिल गया, प्लस माइनस का 2 मिल गया, इसके अलावा प्लस माइनस का 4 मिल गया। उसी तरीके से कोई सा भी अगर आप लोगों को इवन इंटीजर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 2n वाले फॉर्मूले में n की जगह पे इंटीजर्स की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। सेम उसी तरीके से ओड के लिए कैसे करते हैं, तो ओड इंटीजर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2n+1। तो इसको मैं यहाँ करके बता देता हूँ, 2n+1। तो देखो n की जगह पे 0 पुट करो तो 2 × 0 + 1 = कितना हुआ, 1 आ गया। फिर n की जगह पे 1 पुट करो, 2 × 1 + 1 यानी 2 + 1 = 3 आ गया। फिर n की जगह पे -1 पुट करो, 2 × -1 + 1 तो 2 × -1 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, और उसमें 1 जोड़ोगे तो -1 आ गया। उसी तरीके से n की जगह पे क्या करो, -2 पुट करके देख लो तो 2 × -2 + 1 यानी -4 + 1 = -3। तो देखो 1 − 1 = 3 − 3 यानी जितने भी हमारे पास ओड इंटीजर्स है उन सबको हम 2n+1 के वाले इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ओड इंटीजर्स को 2n+1 से लिखा जाता है और इवन इंटीजर्स को 2n से लिखा जाता है। और यहाँ पे जो n है ये किसके लिए यूज हो है, इंटीजर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 2 टाइप के इंटीजर्स और होते हैं, एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये क्या होता है उसको समझो, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब है जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ प्लस वीई, प्लस यानी पॉजिटिव है और लास्ट का जो स्पेलिंग में वीई आता है वो यहाँ यूज, जो पॉजिटिव नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन पॉजिटिव। अब देखो क्या ये नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ये साफ साफ दिख रहे हैं कि ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव है। क्या 0 पॉजिटिव होता है, अभी हमने देखा 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, लेकिन अभी हमारे को क्या मतलब है,
हमें केवल इतना सा चाहिए कि जो पॉजिटिव नहीं है, क्या जीरो पॉजिटिव होता है? नहीं होता, तो जीरो को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो ये जो नंबर्स मिले हैं वो कैसे हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऐसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नहीं है, तो देखो क्या ये नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते। क्या जीरो नेगेटिव होता है? भाई जो नेगेटिव नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, जो नेगेटिव नहीं है, तो क्या जीरो नेगेटिव होता है? जीरो नेगेटिव नहीं होता। हमें पता है जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, लेकिन अभी हमें पता करना है कि जो नेगेटिव नहीं है तो क्या जीरो नेगेटिव होता है? नहीं होता, जो इनके यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम W भी बोल सकते हैं, क्योंकि W यानी होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर्स भी क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इनको देखते हैं। अब हम नेचुरल नंबर्स के जो हमने लास्ट स्लाइड पे जो 3-4 टाइप्स देखे थे उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला है हमारा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कंपोजिट नंबर्स, फिर को प्राइम नंबर्स, एक टाइप का और होगा जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बहुत जगह पे यूज होता है, प्रोबेबिलिटीज में भी। प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर कई जगह पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे इनका यूज होता है, तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं सिंपल बताता हूँ आप लोगों को, पहले एक्सप्लेन करके फिर डेफिनेशन पढ़ूंगा। देखो प्राइम नंबर्स क्या है, वो नंबर्स हैं जिनके अंदर या तो एक का भाग जाएगा, यानी जो एक से डिविजिबल होंगे, और या खुद से डिविजिबल होंगे, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे। अब इसको समझने से पहले हम लोग देखो एक बार फैक्टर्स का मतलब समझते हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब है, जैसे एक नंबर है 24, इस 24 को हमें किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये वो नंबर्स है जिन नंबर से हम क्या कर सकते हैं, 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां देखो आप लोगों को कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 24 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इन सभी से क्या कर सकते हैं, हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स के लिए मैंने क्या बोला कि वो केवल दो नंबर से डिवाइड होंगे, एक तो वन से, एक्चुअल में वन से तो सभी डिवाइड होते हैं, और खुद से क्या होते हैं, वो भी सभी डिवाइड होते हैं। ठीक है, कोई नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही, और वन से हमेशा डिवाइड होगा। तो अगर किसी भी नंबर के केवल दो फैक्टर्स हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब डेफिनेशन समझना, दो जो नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना ये नंबर्स हमें किस में से पिक करने हैं, नेचुरल नंबर्स में से, विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी जो केवल एक से और खुद से डिविजिबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कि या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो वन होगा और एक खुद होगा यानी इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जाम्पल्स देखो आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 17, 19, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो या तो एक से डिविजिबल हो रहे हैं या खुद से हो रहे हैं। देखो दो, दो में किसका डिवाइड कर सकते हो, दो को किससे डिवाइड कर सकते हो, या तो वन से कर सकते हो या टू से कर सकते हो, थ्री को वन और थ्री से ही कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। फाइव के साथ भी ऐसा ही होगा, सेवन के साथ भी, यानी ये नंबर्स केवल अपने से और एक से डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होते, इसलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई होप प्राइम नंबर्स का आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये चार बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। पहला नोट क्या है, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये याद कर लो, एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। दूसरा क्या है, तो देखो इन सबको देखो, ये सारे के सारे जो आगे के प्राइम नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, सब ओड दिख रहे होंगे। दो अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, और ये सबसे छोटा भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि टू इज द स्मॉलेस्ट, दो क्या है, एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। तो एक नंबर में पूछ लिया कि बताओ ऐसा कोई प्राइम नंबर बताओ
जो इवन प्राइम नंबर है तो आंसर क्या आएगा उसका, दो आएगा। ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो बाकी के सारे क्या है, ओड है। अब ओड में भी क्या है, ये तीन सबसे छोटा है, तो मैंने एक और पॉइंट बना दिया कि थ्री इज द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या है, तीन है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्वेश्चंस में। कैसे करेंगे हम लोग, जब क्वेश्चंस करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि HCF ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स, अगर दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका HCF क्या होगा। अब HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, और उसमें भी हाईएस्ट। अब मैंने बताया कि जब हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स में क्या होगा, एक तो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से, तो वन ही वो नंबर है जो सब में कॉमन आएगा, जो सब में हमारे को सबके फैक्टर्स में मिल जाएगा। तो अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर्स आप लोगों को दिए हुए हैं तो उनका HCF पूछे, तो निकालने नहीं बैठना है, डायरेक्ट आंसर देना है कितना होगा, वन होगा। ऐसे ही LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। दो अगर A और B प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं तो उन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। हमारे को इस तरीके से करके ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह लगा के कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अगर दोनों प्राइम नंबर्स है, पहले तो देखो प्राइम नंबर्स है क्या, तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, उनका LCM निकल करके आ जाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या है, जस्ट उल्टे होंगे, यानी कि जस्ट ऑपोजिट नेचर में होंगे किसके, प्राइम नंबर्स थे। प्राइम नंबर्स में क्या हो रहा था, ये वन से और खुद से डिविजिबल थे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वन से और खुद से डिविजिबल होने के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो सकते हैं। और ये भी कहाँ से पिक किए जाएंगे, नेचुरल नंबर्स में से। तो दोज नेचुरल नंबर्स विच आर ऑल्सो डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड इट्सेल्फ, यानी जो एक के खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल हो, यानी कि अगर देखो ये इस 24 की बात कर ले तो 24 एक के खुद के अलावा इनसे भी डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे कि 24 इज ए कंपोजिट नंबर। जब एक से और खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल है तो उनके फैक्टर्स कितने होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, तो या विच हैव मोर देन टू फैक्टर, या जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप लोग सोच सोच के लिखना। यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स में भी कम से कम 100 तक के प्राइम नंबर्स को क्या करना है, आप लोगों को लिखना है, ठीक है, सोच सोच के कि कौन कौन से नंबर्स में वन का डिवाइड होगा, कौन कौन से नंबर में ओनली वन और खुद का डिवाइड होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। अब जैसे यहाँ देखो चार, चार में क्या होगा, एक और चार के अलावा दो से भी डिविजिबल हो, छः एक और छः के अलावा दो और तीन दोनों से डिविजिबल होता है। ऐसे ही आगे के भी नंबर्स को आप जब देखोगे तो ये एक के और खुद के अलावा क्या होंगे, किसी और से भी डिविजिबल होंगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि भाई ये वो एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोर देन टू फैक्टर्स। अब यहाँ पे भी मैंने चार इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं। तो एक तो जैसे हमने एक को प्राइम, एक को क्या है प्राइम नंबर नहीं बोला जाता, सिमिलरली एक को क्या है कंपोजिट नंबर भी नहीं बोला जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वन इज नॉट ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर, तो एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। दूसरा नोट क्या है कि देखो फिर वन के बाद में क्या आता है नेचुरल नंबर में, टू और थ्री, फिर टू और थ्री दोनों तो क्या है प्राइम है, फिर उससे अगला क्या आएगा फोर, तो हम बोल सकते हैं फोर क्या है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे CN मतलब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर देखो शुरू के जो तीनों है ना ये इवन है, उसके बाद में पहले नंबर पे जो ओड कंपोजिट नंबर आता है वो क्या है नाइन है, तो यहाँ पे बोल दिया कि नाइन इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है वो समझो, जैसे ये 36 है, ये कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 के 36 के अलावा 2 का 3 का 6 का 9 का 12 का 18 का इनका भी डिवाइड इसमें, मतलब उससे भी ये डिविजिबल है। फैक्टर्स किए मैंने 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। इसको हम पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखे, 2 पावर 2 हो गई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई या 3 पावर 2 हो गई। अब ये मैंने क्या किया, इस नंबर को एक्सप्रेस करके ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये 2 है बेस में, ये दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 दोनों के दोनों, और उनकी ये पावर्स लिख दी हमने, यानी क्या किया गया 36 को हमने प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है।
एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या हमेशा ऐसा होता है? जैसे 120 वाला लिखा है, 120 के फैक्टर्स करोगे तो क्या होगा, ये होगा 2 जा 4, 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, ठीक है। अब इसको लिखे तो 2 3 टाइम्स आया तो 2 पावर 3, 3 1 टाइम है तो 3 पावर 1, 5 पावर 1, यहाँ पे 2 3 5 ये भी क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है, उनकी पावर के रूप में लिख लिया। तो कोई सा भी कंपोजिट नंबर अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो कंपोजिट नंबर्स को क्या कर सकते हो, हमेशा प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये हमारा कंपोजिट नंबर वाला पार्ट भी खत्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो को प्राइम नंबर्स बेसिकली पेयर ऑफ टू नंबर्स होता है, दो नंबर्स का एक पेयर होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ टू नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना ये सारी चीजें हम नेचुरल नंबर्स में से पिक कर रहे हैं। तो दो नेचुरल नंबर्स का पेयर, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना कि को प्राइम में प्राइम दिख रहा है ना, तो प्राइम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, जरूरी नहीं प्राइम ही हो, नॉन प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनका HCF 1 हो, HCF 1 होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर कॉमन फैक्टर ओनली 1 आना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन सबका HCF निकाल के देखते हैं, अगर इनका HCF 1 आता है तो ये जो पेयर बने हैं प्राइम नंबर्स के क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 1, 3 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, HCF कितना 1, 5 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 1, 7 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 1, कॉमन क्या आ रहा है केवल 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो ये भी क्या है यहाँ पे भी HCF 1, 11 के फैक्टर 11 मल्टीप्लाई 1, 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर भी देखो आप लोग देखोगे नोटिस करोगे तो केवल एक ही कॉमन आ रहा है, मतलब इन सब केसेस का HCF कितना है 1। तो ये जो पेयर मैंने यहाँ लिखे हैं सारे के सारे पेयर किसके कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स के पेयर कहलाएंगे। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नोट, अब इसके भी दो इम्पोर्टेंट नोट है और फिर बाकी एक दो टॉपिक्स और हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड। पहला नोट क्या है, पेयर ऑफ एनी टू कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी लगातार दो नेचुरल नंबर कोई से भी ले लो, जैसे कि 23 24 ले लिया या फिर 71 72 ले लिया, कोई से भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स को पिक करोगे, उनका जब HCF निकालोगे वो हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। और अगर HCF एक आ रहा है तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। तो देखो 11 12, तो अभी अभी मैंने बताया 11 12 का HCF कितना आ रहा है 1। जैसे 25 और 26 की बात करें, 25 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो कॉमन एक ही आ रहा है, HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहाँ पे क्या है हमारा जो दोनों जो पेयर थे लगातार दो नेचुरल नंबर्स के, इनके अंदर HCF 1 आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों पेयर क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। इसके बाद में अगला नोट है हमारा कि पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, तो कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, इसका तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर का HCF कितना होता है 1 होता है, तो कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लो उनका HCF 1 होगा, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों का जो पेयर बनेगा वो पेयर क्या होगा, हमेशा को प्राइम होगा, क्योंकि को प्राइम की कंडीशन ही है कि HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ बात करें तो इसको 11 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इसको 13 मल्टीप्लाई 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो HCF कितना है इसका 1 है। ऐसे आगे कोई से भी दो प्राइम नंबर सोच सकते हो, उनका HCF हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं इनका LCM क्या होगा। तो को प्राइम नंबर्स का LCM डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उनको सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है कि अगर दो को प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, जैसे पेयर दे रखा है एक ए कोमा बी का, ये क्या है को प्राइम थे, तो इनका LCM क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट आएगा निकल करके वो क्या होगा हमारा, को प्राइम नंबर का LCM हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स और अदर टाइप के जो नंबर्स हैं उनको पढ़ते हैं। अब हमारा एक टाइप का और नेचुरल नंबर बचा हुआ था, हम उसको देखते हैं, वो है ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि को प्राइम नंबर में क्या था, को प्राइम नंबर में हमारा जो पेयर था वो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ जरूरी है कि दो प्राइम नेचुरल, प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर ऑलरेडी आ गया,
तो दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है, तो उन पेयर्स को क्या बोलते हैं, ट्वीन प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। तो देखो 3, 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 17 और 19 ये भी दो प्राइम नंबर्स है, इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो मतलब ये वो पेयर्स है प्राइम नंबर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो जिनका डिफरेंस 2 आता है उनको क्या बोला जाता है, ट्वीन प्राइम नंबर्स बोला जाता है। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर मैं ये बताता हूँ ये मैंने क्या लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एन स्क्वायर, एन कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 आगे 36 आएगा, टेस्ट एज चलता रहेगा। इन नंबर्स को क्या किया जा सकता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 यानी 1 का स्क्वायर, 2 यानी 4 यानी 2 स्क्वायर, 9 यानी 3 स्क्वायर, 16 यानी 4 स्क्वायर, 25 यानी 5 स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया हमने, तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। आई होप ये बात भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ये भी कई जगह पे बीच बीच में यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ भी बता दिए। अब आगे देखो, अगर आप लोगों को अपनी मैथ में कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है, कैलकुलेशन स्पीड को और बहुत फास्ट करना है उसको, साथ में जी हमारा जो कैलकुलेशन करने पे जो रिजल्ट्स है उसको जल्दी से जल्दी निकालना है, तो इसके लिए आप लोगों को ये कुछ बेसिक चीज़ें इनको हमेशा याद रखना है और इसको याद कर ही लेना है, ठीक है। तो पहला तो है स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स अप टू 30, यानी 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर तो आपको मुँह जबानी याद होने ही चाहिए। इसके अलावा क्यूब्स ऑफ नंबर्स अप टू 10 to 15, 10 से 15 तक के नंबर्स के क्यूब्स भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा ये कुछ डेटा है जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है, जैसे डेसिमल में कैसे होगी, जैसे 1/2 यानी 0.5, 1/4 यानी 0.25, 3/4 यानी 0.75, 3/2 यानी 1.5 होता है, 3/2 यानी 1.5, 5/2 यानी 2.5 यानी 2.5। इसके अलावा रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.414, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो ये कुछ डेटा है जो हमेशा याद होंगे आप लोगों को, तो जब भी कभी क्वेश्चन में यूज होंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा, वरना हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 को यहाँ पे बच्चों के जैसे डिवाइड करने बैठ रहे हो, फिर जीरो लगा रहे हो, फिर डेसिमल लगा रहे हो, तो ये नहीं करना। ये कुछ रिजल्ट्स है जो हमारे को हमें याद रखने। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऐसा मैंने क्यों बताया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो पहले फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक पेपर है, वो कंप्लीट है, पूरा पेपर है, इस पेपर का हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये जो पार्ट मैंने लिया है इस पार्ट को ही क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। तो फ्रैक्शन का मतलब है किसी कंप्लीट चीज का, जिसको होल बोला जा सकता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उस कंप्लीट चीज का क्या कहलाता है, फ्रैक्शन यानी पार्ट कहलाता है। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बाई बी टाइप से लिखा जाता है। यहाँ पे ए को न्यूमिनेटर पढ़ा जाता है, बी नीचे जो लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर पढ़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ए और बी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई प्लस और जेड प्लस। आई प्लस और जेड प्लस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर से जीरो से हम डिवाइड करना अलाउ नहीं करते, क्योंकि जब जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट बन जाता है, और इनफाइनाइट हमने मान रखा है कि वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अभी तक के लिए जब आप 11 में आओगे तो लिमिट के 11th या 12th में आओगे तो लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, उसको हमेशा कंडीशन मान के चलो। अब फ्रैक्शंस के कई टाइप्स होते हैं वैसे तो, लेकिन 3 मेजर टाइप्स है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर पूरा और अच्छे से पढ़ना है तो जब मैं 6th और 7th के लेक्चर्स अपलोड करूँगा तो वहाँ पे फ्रैक्शंस को डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अगर न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, एन मतलब न्यूमिनेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, तो हम बोलेंगे कि वो क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 2/3, तो यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है, 4/7, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ केस है। इसके अलावा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे 7/3 ले लिया, 5/2 ले लिया, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक नए तरीके से लिखा जा सकता है, उस तरीके को क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे यहाँ इसको ऐसे लिख दिया 5 एंड 2/3, तो इसमें 5 तो होल नंबर है
और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आता होगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको पढ़ा रहा हूँ। 5 3 15 15 में 2a वाला पार्ट एड करते हैं तो 17 होगा, तो यानी कि जब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 17, और नीचे जितना था वो ऐसे कैसे आ गया कितना 3, तो 17/3 क्या हो गया। इसको वापस से कन्वर्ट करना है तो ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 टाइम, तो उसको यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर कितना बचा 2, उसको ऊपर लिख दिया, और जो जिससे डिवाइड किया था डिवाइजर वो ऐसे कैसे नीचे आ गया। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट नोट है, फ्रैक्शंस हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव में लिखे जाते हैं, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं मानी जाएगी, ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगला है रैशनल नंबर्स क्या है। अब रैशनल नंबर हमारा जो मेन पहला टॉपिक है जिसको हमारे को डिटेल में पढ़ना है वो है रैशनल नंबर। अभी तक हम एक तरीके से समझ सकते हो बेसिक सीख रहे थे, नंबर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के नंबर समझ रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे सिलेबस में यूज होने वाले हैं। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले नंबर पे है वो हमारा है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिमिलरली जैसे फ्रैक्शंस होते हैं वैसे ही रैशनल नंबर भी होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ ए और बी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने लिया था पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ रैशनल नंबर में क्या होगा, रैशनल नंबर पी बाई क्यू टाइप का दिखता है, यहाँ पी और क्यू क्या हो सकते हैं इंटीजर्स, यानी आई और जेड में से आई और जेड इंटीजर कोई भी हो सकता है, मतलब ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये भी समझ में आती है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस एक चीज़ और बता देता हूँ, रैशनल नंबर का जो भी कलेक्शन होगा, सेट होगा, उसको कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। तो रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो भी हो सकता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो हमने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं माना ना, तो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, अगर ये सारे एग्जांपल हमें ऐसे दिखने लग जाए पी बाई क्यू की फॉर्म में तो हम बोल देंगे कि वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं। तो देखो ए बाई 1/2 क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पी का मतलब 1, क्यू का मतलब 2। यहाँ ये दिख रहा है क्या, -2/-3/2, यहाँ पे भी कंडीशन ये, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो दिमाग में बिठा लो कि जब तक 10th पढ़नी है तब तक डिनोमिनेटर को जीरो नहीं मानना है क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। 11th में जाके वहाँ पे आगे की चीज़ें जब पढ़ोगे लिमिट वगैरह तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं मानते, कारण सब कुछ यहाँ पे। फिर आता है 5/7, ये भी क्या है, एक पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो देखो यहाँ देखो क्या जीरो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन बनाया जा सकता है, जीरो के नीचे 2 लगा दिया या जीरो के नीचे कुछ 3 लगा दिया, भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी लगा दो जीरो के, हमेशा आंसर जीरो ही आएगा। क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहा है, हाँ न्यूमिनेटर में तो जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे न्यूमिनेटर में जीरो है तो हमारा चलेगा। 1 के नीचे 1 लगा दो, -3 के नीचे 1 लगा दो, ध्यान रखना कुछ ऐसा यूज कर चीज़ लगानी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़े, पता चल रहा है अपने मन से -3 के नीचे 2 लगा दिया और पी बाई क्यू बना दिया, तो 2 लगाने से तो वो नंबर ही बदल गया ना, तो -3/1 किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 रिजल्ट आएगा, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ ये जो डेसिमल है ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होने का मतलब है रुक गया, डेसिमल यहाँ जाके खत्म हो गया, तो जब डेसिमल खत्म हो गया इसको भी लिख सकते हैं क्या, देखो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के हट के 1 के आगे कितने प्लेस है, मतलब पॉइंट के आगे 2 प्लेसेज है तो 2 जीरो लग गए। एक ये भी नंबर है, ये मैं अभी आगे जाके पूरा डिटेल में, हमारा लेक्चर 2 इसी के ऊपर होगा, ये एक्चुअल में 4/3 है। कैसे है, 4 के अंदर 3 से डिवाइड करो, 1 टाइम हुआ, कितना बचा 1, अब 1 में तो जाता नहीं है तो 0 लगाएंगे तो डेसिमल लगा देंगे तो 1 पॉइंट, फिर 10 हो गया, 10 में कितने टाइम होगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 10 अपने मन से कभी भी लगाओ, फिर 3 टाइम होगा, फिर 10 बनेगा, फिर 3 टाइम, फिर 10 बनेगा, मतलब 1.3333 ये चलता जा रहा है। ये भी क्या किया जा सकता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, ये हमारा पूरा लेक्चर 2 इसी के ऊपर बेस्ड होगा। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नोट तो यही है कि रैशनल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है।
अब एक क्वेश्चन आप लोगों के, जब आप 1.1 करोगे तो उसमें दे रखा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे कोई भी नंबर लिख के, ध्यान रखना यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो बाई जीरो नहीं लिखना है, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है इसको, ये आगे की क्लासों में आप लोगों के आएगा। तो हम सबसे पहला नोट तो यही लिख सकते हैं, जीरो इज ए रैशनल नंबर। कैसे है कि जीरो के नीचे 2 लगा दिया, जीरो के नीचे 10 लगा दिया, कुछ भी लगा के बनाया जा सकता है पी बाई क्यू की फॉर्म में। दूसरा देखो, ये सारे के सारे चीज मैंने लिखी है ना, ये है हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स के सबके नीचे 1 लगा दो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर, या ऑल इंटीजर्स आर आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स, बट इसका उल्टा सही नहीं होगा, ठीक है, वाइस वर्सा, लेकिन यहां लिख भी देता हूं मैं, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू ऑलवेज। मैंने क्या बोला, वाइसा वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, ठीक है, कि क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, नहीं, लेकिन सारे के सारे, देखो भाई ये रैशनल नंबर है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन क्या ये इंटीजर है, क्या नहीं है, यानी हम बोलेंगे कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होते, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद करना, वहां पे क्या होगा, अगर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया स्टेटमेंट को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं हमने क्या याद किया था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फोर्थ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका बेस है ये। तो देखो समझो, ये क्या है डेसिमल नंबर, ये भी क्या है डेसिमल नंबर, ये डेसिमल कहीं ना कहीं जाके रुक गया, डेसिमल के दो प्लेस के बाद में स्टॉप हो गया, ये डेसिमल के प्लेसेस के बाद में स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन बार बार किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, देखो 3 बार बार आ रहा है। हमने अभी दोनों को देखा कि दोनों को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं और जो टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं वो डेसिमल नंबर हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अभी इसको पूरा अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं, अगर समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ लेना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें रिपीटेशन हो जाए, डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, कैसे हैं, यहां मैंने एग्जांपल से समझा दिया और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं उनको भी देख लेते हैं, और इसी के साथ फिर हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ये हमारे कुछ 2 टॉपिक और बचे हुए हैं इस लेक्चर के, उनको भी हम देख लेते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसको समझते हैं। तो देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल पहले समझो, कि जैसे मेरे पास 3 चपाती है, चपाती मतलब रोटी के 3 पे वो है, 3 रोटियाँ है, इन तीनों को मुझे 2 जनों में बांटना है, ए और बी के बीच में आपस में बांटना है, ठीक है। एक्चुअल में ए की रोटी है, इसको 2 जनों में बांटना, ए और बी को, मैं 3 अलग अलग तरीकों से क्या करूंगा, इनको बांटने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में फिर आप लोगों को बताना है क्या तीनों तरीकों से बांटने पे दोनों को, मतलब तीनों केसेस में सेम ही रोटी मिल रही है क्या, वो चीज़ हमें समझना है। तो देखो, पहला मेरा मन किया कि मैं इसका क्या करूं, 2 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 2 पार्ट में से 1 पार्ट इसको दे दूं, 2 में से 1 पार्ट इसको दे दूं, ठीक है। फिर मैंने सोचा नहीं, ये काम करते हैं, इसके 4 टुकड़े करते हैं बराबर बराबर, और 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े इसको दे देते हैं और 4 में से 2 टुकड़े इसको दे देते हैं, ठीक है, ए और बी, या ए को दे रहा हूं, ये बी को दे रहा हूं। फिर मेरा मन किया ना, ये काम करता हूं, थोड़ा सा और टुकड़े कर देता हूं इसके, छोटे छोटे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस खाने से क्या होगा, गले में अटक सकते हैं, तो ये मान लिया कि छोटे छोटे पीस करके दे दिए मैंने पहले से ही। अब मैंने क्या किया, 8 पीसेस करिए, उसमें से 4 टुकड़े इसको दे दिए, 8 में से 4 पीसेस इसको दे दिए। अब मुझे आप लोगों को ये बताना है, मतलब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या, सोचिए थोड़ा सा, क्या तीनों केसेस में कैसे भी मैं उनको बांटूं,
लेकिन हमेशा तीनों केसेस में आधी आधी चपाती मिल रही है क्या? अभी भी आधी मिली, अभी भी आधी चपाती मिली, आधी चपाती मिली है। यानी कि तीनों केसेस में किसी भी तरीके से बांटू में हमेशा जो जो पार्ट मिला है वो तीनों केसेस में क्या है? सेम ही तो है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ समझा रहा हूँ मैं कि या तो मैं 1/2 बोलूँ या फिर 2/4 बोलूँ या फिर 4/8 बोलूँ। क्या तीनों केसेस सेम है? भाई तीनों केसेस में क्या मिला है? आधी आधी चपाती मिली है। तो हम बोल सकते हैं ये तीनों के तीनों बराबर हैं। ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन बोल दोगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो रेशनल नंबर बोल दें। अब ये चीज़ तो हमारे को समझ में आ गई भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। अब फाइंड कैसे किया जाता है वो समझते हैं। तो देखो, इससे ये बनाना हो तो कैसे बनाए? हमने क्या किया, न्यूमरेटर को भी आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, जैसे यहाँ देखो, इससे हमें ये बनाना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को सेम नंबर से, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये बन गया। उसी तरीके से अगर मेरे को इससे ये बनाना है तो मैं फिर से क्या करूँ, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिनोमिनेटर को भी, तो ये 4 बन जाएगा, ये 8। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमें बनाने हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर दोनों को सेम नंबर से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नया रेशनल नंबर बनेगा वो भी उसके इक्विवेलेंट ही होगा। आई होप ये जो बात अभी मैंने बोली है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसको मैं लिख भी देता हूँ। जैसे पी बाई क्यू एक क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम पी को किसी नंबर एम से मल्टीप्लाई कर दे, क्यू को भी एम से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर पी को एन से मल्टीप्लाई कर दे और क्यू को भी एन से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक नए नए हमारे को रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। यह चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम और एन जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सबको जीरो बना देंगे। सिमिलरली अगर ये दिया हुआ होता तो इससे ये कैसे बनाते? तो अगर मैं इस 4 में 4 से डिवाइड कर दूँ और इस 8 को भी 4 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो नए रेशनल नंबर्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट ही होंगे। आई होप ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखो, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 12/15, यानी कि 12 -12/15 मैंने लिखा है। इसके हमें क्या करना है, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो हम यहाँ करते हैं। सबसे पहले तो दोनों को सेम नंबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2/15, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, तो ये ऊपर हो गया -24, नीचे हो गया 30, ये बन गया। एक 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, -36/45। अब अगर दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जैसे -12 3 से डिवाइड हो रहा है और 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया -4, ये हो गया 5। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये और ये जो तीनों मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या हैं, इस वाले रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट है। ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। इसके बाद में आज के लेक्चर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। मतलब हमारे को 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए होंगे, उन रेशनल नंबर्स के बीच में हमारे को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं कि कितने हैं। पहले बात तो ये समझ लो कि रेशनल नंबर्स के बीच में कितने होते हैं, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो 2 रेशनल नंबर दिए हुए, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है, लेकिन वो हमारे से कुछ गिनती के ही पूछेगा, 4-5 पूछ लिए या 10 पूछ लिए, तो वो कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये क्या है, जैसे मान लो ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, सी बाई डी एक दूसरा रेशनल नंबर है, दोनों ये हमारे को गिवन है और हमारे को इनके बीच के रेशनल नंबर बताने हैं। तो इसके 2 मेथड, एक तो शॉर्टकट मेथड और एक है मीन मेथड।
अब पहले शॉर्टकट मेथड क्या होता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग मेन मेथड को एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखो शॉर्टकट मेथड में हमारा क्या है, कुछ स्टेप्स है। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, ठीक है, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, डिनोमिनेटर्स इक्वल। हमारा पहला काम यह है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना। अब कैसे बनाएं, जैसे इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके में 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, और इसको तो ऐसे कैसे रहने देते, तो ये क्या बन गया 2/4। ये हम अभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं ना, उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों को। तो अब हमारा क्या बन गया है 2/4 और 3/4। लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम है कि हम इसको कैसे सोचें कि भाई इसके बीच में कितने हैं। तो एक काम कर सकते हैं, इनको थोड़ा और डिनोमिनेटर को वो करके हम बना सकते हैं, दोनों को मैं काम करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना बनेगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से, तो कितना बन गया 20/40। इसको 10 से करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/40 बन गया। तो अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो 21/40, ठीक है, मैं यहाँ 10 की जगह पे 7 लिख देता हूँ, तो एक 22/40 इनके बीच में आएगा, एक 23/40 आएगा, एक 24/40 आएगा, ऐसे चलता रहेगा 29/40। ऐसे अगर मान लो आप लोगों को और भी ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को उस हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं मान लो मुझे 100 चाहिए होते तो मैं क्या कर सकता था, इस वाले इसको कन्वर्ट करके क्या कर लेता हूँ कि जैसे 2/4 था ना, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको भी, तो ये बन जाता है 200/400 हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करता और इसको 4 को भी 100 से करता, तो ये कितना हो जाता 300/400। तब इनके बीच में क्या क्या हो जाते हैं, 201/400 हो जाता, 202/400 हो जाता, 203/400 हो जाता, ऐसे डैश डैश 299/400। मतलब जितने ज़्यादा तुम्हें पता करना है उसके हिसाब से तुम लोग निकाल सकते हो। आई होप ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप अप्लाई करना, या आप लोगों की बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको कोशिश करना, ट्राई करना। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ में हमारा ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, मीन मेथड। मीन मेथड में क्या होता है, इसको समझने से पहले मीन का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो देखो जैसे 2 नंबर दे रखे हैं 2 और 3, तो इसका मीन का मतलब है कि दोनों नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड करो कि दोनों को बराबर बराबर मिल जाए। तो क्या करें, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 और 3, दोनों का सम कितना हुआ 5। अब दो जनों में बांटना है तो 2.5 और 2.5 दोनों को दे दो, तो दोनों को बराबर बराबर मिल जाएंगे क्या। तो मीन कैसे निकाला जाता है कि दोनों नंबर्स का सम करके जितने में भी बांटना है उतने का डिवाइड कर दो, तो इसका रिजल्ट कितना आया 2.5। अब आप इस चीज़ को नोटिस करोगे, जो ये 2.5 निकल के आया ना, ये एक्चुअल में क्या है देखो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2.5 मत बोलो इसको, 2+3 कितना हो गया 5/2। भाई हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल नहीं लिख के पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब ये 5/2 जो कि विच इज इक्वल टू 2.5, हम बोल सकते हैं ये 2.5 2 से तो बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है। तो हमने क्या किया कि ये 5/2 था, ये एक रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है जो कि इन दोनों के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इस मेथड को बोला जाता है मीन मेथड। जैसे यहाँ दे रखा है a/b और c/d दे रखा है, तो इसके बीच में पहला रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का मीन निकाल दिया, तो ये जो हमारा आया फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया, फर्स्ट बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों के बीच में दोनों का सम किया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, e/f आ गया। मान लो कुछ भी हो सकता है, अभी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक एग्जांपल को नेक्स्ट स्लाइड पे समझा दूंगा मैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए। तो अब ये जो आएगा ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, क्योंकि मीन हमेशा बीच में आया है, देखो यहाँ पे देखा है। तो फिर हम इन दोनों के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो आएगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। इन दोनों के बीच में इसका कुछ आंसर आएगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3 यूजिंग मीन मेथड। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करवाता हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए।
तो देखो हम इस वाले एग्जांपल को सोल्व करते हैं। क्या बोला है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन टू एंड थ्री यूजिंग मीन मेथड। ठीक है, हमारे को मीन मेथड का यूज करके ही इसका आंसर निकालना है। तो देखो, तो सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर्स कितना होगा, तो दोनों का मीन निकाल दो, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी 5 बाई 2। अब यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है, ये 5 बाई 2 क्या होगा, 2 से तो बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, क्योंकि मीन का मतलब होता है दोनों के बीच की, बीचों बीच की कोई वैल्यू। ठीक है, अब ये निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल देते हैं एक। तो क्या होगा, सेकेंड रैशनल नंबर कितना होगा, 2 प्लस 5 बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो पहले तो ऊपर एलसीएम लो, कितना आ रहा है 2, नीचे वाला 2 ऐसे कैसे चलाना है, ये 2 क्या है, डिवाइड वाला, वो है मीन निकालने वाला। 1 को इसमें 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 टाइम होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, यानी ऊपर कितना आ गया 9 बाई 2, इसको डिवाइड करना है 2, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 9 बाई 2 को डिवाइड करना है 2 से, इसके नीचे 1 लगा दो। डिवाइड करने का क्या तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई और अगले वाले नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 9 बाय 4, ये चीज़ हमारा क्या आ गया, अगला सेकंड वाला आ गया। अब थर्ड निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में थर्ड निकाल लेते हैं। मैं केवल 3 तक ही निकाल के बता रहा हूँ, आप लोग आगे के फिर निकालना। तो देखो, अभी जो सेकंड रेशनल नंबर आया ये हमारे ये आया, ये किसके बीच में होगा, तो अब हमारे पास ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये 2 से बड़ा होगा 9 बाई 4, उससे बड़ा होगा 5 बाई 4, फिर उससे बड़ा होगा 3, और इन दोनों के बीच का जो आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। भाई ये जो 9 बाई 4 है, इन दोनों के बीच में निकला है ना, तो इन दोनों के बीच का आएगा। ये 5 क्या था, इसके इसके बीच में था। ठीक है, थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकाले, तो इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं हम, 5 बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इसके नीचे 1 लगाएंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, यानी ऊपर तो आ गया 11 बाई 2, इसको डिवाइड करना है 2 से, यानी 11 बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, और अगले वाले नंबर का जिसको 2 बाई 1 करके 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना आया 11 बाई 4, यानी इसको हम कहाँ लिख सकते हैं 11 बाई 4। अब तुम लोग कोई सा भी निकाल सकते हो, इन दो के बीच में एक निकाल सकते हो, चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो। ये चीज़ हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो, उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या होता है। अभी मैंने यहाँ बोला था इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो, जैसे कि पी बाई क्यू हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारे को आंसर कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर का न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दो। तो देखो क्या होगा, तो पी बाई क्यू मल्टीप्लाई क्यू बाई पी, तो क्यू से क्यू डिवाइड हो गया, पी से पी डिवाइड हो गया, फाइनल आंसर कितना आया 1। तो हम बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल और इसको क्या बोला जा सकता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल कितना हो गया, क्यू बाई पी। जैसे एग्जाम्पल पूछे तो -2/3 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। भाई क्यू बाई पी का रेसिप्रोकल होगा पी बाई क्यू, और क्यू बाई पी का रेसिप्रोकल होगा, सॉरी, पी बाई क्यू का होगा क्यू बाई पी, और क्यू बाई पी का होगा पी बाई क्यू। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स को एक तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन हमारा। तो ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें हमने बेसिक्स को भी सीखा है। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।